भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक दिन में चंपू व अन्य के खिलाफ 5 केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने फोनिक्स देवकॉन घोटाले में उसकी पत्नी योगिता को भी गिरफ्तार कर लिया। चंपू पर पुलिस 5,000 का इनाम घोषित कर चुकी है, जिसे बढ़ाकर 10,000 करने की तैयारी है। लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। बुधवार देर रात 4 थानों की पुलिस ने चंपू के पालीवाल नगर स्थित बंगले पर छापा मारा था। बंगले में चंपू तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस उसकी पत्नी योगिता अजमेरा को थाने ले आई। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली और परिजन व नौकरों से पूछताछ की। लसूड़िया टीआई संतोष दूधी के अनुसार चंपू अजमेरा पर 5 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस में फरियादी हीरालाल मलोरिया ने अपनी शिकायत में चंपू की पत्नी योगिता का भी जिक्र किया है। योगिता चंपू की कंपनी फिनिक्स देवकॉन में डायरेक्टर है। पुलिस के अनुसार फिनिक्स देवकॉन में चंपू सहित उसका भाई नीलेश, पार्टनर चिराग शाह, चंपू की पत्नी योगिता, भाभी सोनाली, पिता पवन अजमेरा सहित विकास सोनी, मनीष पवार, अमरीश कुमार, रजत बोहरा, सत्यनारायण भी निदेशक है। पूर्व में दर्ज प्रकरणों में सभी आरोपित बनाए गए थे। पुलिस कंपनी के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बता दें कि योगिता को अप्रैल 2017 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। उस वक्त पत्नी योगिता की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित हुआ था। इस मामले में चंपू का भाई नीलेश अजमेरा NRI अभी भी फरार है। तब प्रशासन ने कई पात्र लोगों को फिनिक्स टाउनशिप में कब्जे दिलवाए थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।